नस्मा है घर पर? आइए ना नस्मा। नज़मा, 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 कोई पहचानता है इसे? देखा होगा कभी आसपास? देखिए ठीक तरह से। साहब ये कचरा डालने आया था, तब इसने पहले देखा, फिर मुझे बुलाया और मैंने सीधा आपको फोन लगाया। सर बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है जादव, ये ब्लाइंड केस है। 12 साल पहले यही पीड़ित भक्षक था और पीड़ित थी एक महिला जिसके साथ इस शख्स ने बलात्कार किया था, तो क्या यह मर्डर 12 साल पहले हुए उस हादसे से जुड़ा हुआ था? पीड़ित की बड़े निर्दयी तरीके से हत्या की गई थी और लाश को ठिकाने लगाया गया था, लाश पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। लेकिन अहम सवाल यह था कि 12 साल पहले का रेपिस्ट और अभी का मर्डर विक्टिम, यह आदमी दरअसल था कौन? खतना हुआ है तो मुस्लिम हो सकता है। डेथ लगभग 12 से 14 घंटे के बीच में हुई, मतलब कल रात 27 फरवरी को। पहले मर्डर हुआ, फिर बॉडी को बोरी में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंक। सर काफी गहरे गांव हैं, रिपीटेड स्टेप्स, 9 मेजर स्टेप्स 6 माइनर। सर विक्टिम का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी मिसिंग पर्सन के साथ में मैच नहीं। कत्ल को लगभग 40 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई खबर नहीं आई। शायद ये आदमी मुंबई के बाहर का हो, या फिर मुंबई का ही होगा और बिल्कुल अकेला होगा। जादू इतनी ब्रूटल के लिए, फिर बॉडी को बोरी में भरना, बांधना, फिर उसे ठिकाने लगाना, एक आदमी का काम नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले हमें पता लगाना है ये आदमी था कौन। बोल मुश्ताक। हाँ साहब, गारंटी बोल नहीं सकता है, लेकिन आपने इस आदमी को पहले भी कहीं से मिला है। याद कर कहाँ मिला था? जेल में साहब। ऐसी फुल फीलिंग आ रही है अपन को कि ये उधर ही था। कौन सी जेल में? ये याद नहीं है साहब, लेकिन अपन बोलता है आपको कि इसके रिकॉर्ड चेक कराइए, आपको पक्का इसकी हिस्ट्री उधर ही से मिलेगा। ठीक। ब्लाइंड केस के अंधेरे में सुराग की एक सिंगल किरण भी टॉर्च बन जाती है, जो तहकीकात को एक नई दिशा देती है। इन्वेस्टिगेशन का खाता इस धुंधली सी खबर के साथ खुला कि शायद पीड़ित का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उसने जेल की सजा काटी थी। पुलिस ने जेल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया।
जेल में था तो क्रिमिनल हिस्ट्री तो होनी ही है। सर एक फोटोग्राफ, वो भी लाश का। पिछले 10 साल के क्राइम रिकॉर्ड्स हजारों होंगे, शायद लाखों होंगे। शुक्र करो जादव कि हम लोग कंप्यूटराइज जिंदगी जी रहे, वरना एक फोटोग्राफ को लाखों हिस्ट्री शीटर्स के फाइल के साथ मैच करना अपने आप में एक हिस्ट्री बन जाती। नाम नावेद बेग, 7 साल की सजा, 2002 से 2009 तक अजवाड़ा जेल में। जुर्म आईपीसी धारा 376 के तहत रेप का चार्ज। जेल से छूटने के 5 साल बाद इसका मर्डर होता है। रेप केस में इसको गोविंदा का पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया था सर। रिकॉर्ड्स निकालो। इस नावेद पर आरोप था कि इसने एक 20 वर्षीय महिला मीनाक्षी का बलात्कार किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने 12 साल इंतजार किया हो बदला लेने के लिए? हो सकता है सर। वैसे साल 2009 में ये नावेद अजवाड़ा जेल से रिहा हुआ। पीड़ित महिला का नाम है मीनाक्षी शिर्के, उम्र 20 साल, नावेद के मोहल्ले में रहती थी। कौन सा मोहल्ला? शिवबरन चौल गोविंद नाका। सर ये नावेद शादीशुदा था, पत्नी का नाम है नजमा बेग। नावेद की बीवी नजमा शायद अब भी वही रहती हो। सर नावेद के माँ बाप यूपी में रहते हैं, उनका एड्रेस भी है इसमें। पहले यहाँ का पता चेक कर दे, नावेद की बीवी नजमा यहाँ रहती है या नहीं। हम सब ने सुना है कि जोत से जोत जलती है, लेकिन जुर्म की अंधेरी दुनिया में अतीत से वर्तमान रोशन होता है। लेकिन क्या मीनाक्षी के रेप का नावेद के मर्डर के साथ कोई रिश्ता था, या फिर इस कत्ल की कहानी कुछ और ही थी? नावेद बेग यहाँ रहता था अपनी बीवी नजमा के साथ। वो तो बहुत पहले रहते थे साहब, मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है। मेरा नाम विकास गावड़े है और मैं इस खोली में लगभग 4 साल से रह रहा हूँ। ये नावेद की बीवी नजमा कहाँ रहती, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, कुछ पता तो नहीं है। मैं तकरीबन 2009 से यहाँ पर रह रहा हूँ, उस दौरान काफी कुछ सुना था। क्या सुना था उनके बारे में? यही कि नजमा की सहेली थी मीनाक्षी शिर्के और इस नावेद बेग ने उसका रेप किया था। मीनाक्षी कहाँ रहती है, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, कुछ पता नहीं है, लेकिन सुना था कि यही कहीं आसपास ही रहती थी। नावेद बेग का घर यही? जी नहीं, ये उसके अब्बू रहमत बेग का घर है। नावेद को देखे तो सालों बीत गए हैं। रहमत बेग कहाँ सर? खेत गए हैं। सब खैरियत तो है, नावेद की कोई खबर? मुंबई पुलिस को नावेद की लाश मिली। मीनाक्षी यही रहती है क्या? हाँ, क्या बात है सर? बुलाइए उसे, बात करनी थी। मगर क्यों साहब, क्या बात करनी है? नावेद बेग का मर्डर हो गया है। उसे तो पहले मर जाना चाहिए था। देखिए साहब, मेरी बेटी को इसमें मत घसीटिए, वो तो सब कुछ पीछे छोड़ चुकी है, बड़ी मुद्दत से अपने आप को संभाला है साहब। देखिए, हम लोग उसे परेशान करना नहीं चाहते, सिर्फ 2-4 सवाल पूछेंगे। पर सब सब कुछ कोर्ट में हो चुका है ना, आप कैसे सवाल? नावेद की बीवी, उसकी सहेली, वो कहाँ है? वो नजमा,
वो देखिए मैडम, ये मर्डर का मामला है। हो सकता है कि आपकी बेटी मीनाक्षी ने सब कुछ पीछे ना छोड़ा हो। कहाँ है वो? वो साहब, वो अपने पति और बच्चे के साथ बोरेली में रहती है। साहब मैं फिर से कहती हूँ, उसके पुराने जख्म खुरदिए। हम कोई जख्म खुरीदना नहीं चाहते, हम सिर्फ सच्चाई खुरीदना चाहते हैं। मुझे नावेद बेग की मौत की खबर सुनकर कुछ हो नहीं रहा है साहब। मैं तो उसे उसी दिन मार डालना चाहती थी। तुम और नावेद की बीवी नजमा अच्छी सहेली थी ना? हो साहब, वो मुझसे काम भी सीखती थी। मेरी इतनी अच्छी सहेली का पति इतना गिरा हुआ निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था साहब। मैं हमेशा की तरह नजमा से मिलने उसके घर गई थी। मुझे नावेद के बुरी इरादों के बारे में भनक भी नहीं थी साहब। उसने मुझसे झूठ बोला कि नजमा घर पर है और मुझे धोखे से अंदर बुला लिया। नजमा है घर पर? आइए ना। उसे लगा था कि मैं चुप रहूंगी, दबकर बैठूंगी, लेकिन मुझे बहुत गंदा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। मैं चुप नहीं रहना चाहती थी, मैं दबकर नहीं बैठना चाहती थी, और मेरे आई बाबा ने भी मेरा साथ दिया। चल चल मीनाक्षी, हम सीधे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे और वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। चल उठ। आओ, आओ, हे बगा, वो पूरी जिंदगी जेल में सड़े ना सड़े, हमारी बेटी, हमारी बेटी पूरी जिंदगी के लिए बदनाम हो जाएगी। ऐसा कहा है? मैं क्यों बदनाम होंगी? उसने गंदा काम किया है, वो बदनाम होगा। एक कविता, अगर हम बदनामी की वजह से चुप बैठे ना, तो वो इसे घर से खींच के ले जाएगा और दूसरी लड़कियों पे भी हाथ डालेगा। पागल कुत्ते को कोई खुला छोड़ता है भला? तू रोना बंद कर, तुम वो रोएगा लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा उसे। तो मेरी बहादुर बेटी है ना? ओ बाबा, साहब, 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 ये तो बताइए मेरे शोहर ने किया क्या है? तुम्हारे शोहर ने एक औरत का रेप किया है। नामुमकिन है, वो औरत झूठ बोल रही होगी। तो जाकर पूछो अपनी सहेली मीनाक्षी से। चला गया ला। चल मीनाक्षी, क्यों फंसा है मेरे शोहर को? क्यों बोलो? नजमा, आई बाबा की कसम, मैंने नहीं फंसाया तेरे शौहर को, बल्कि उसने मुझे फंसाया। मेरे शौहर ऐसे नहीं है। ऐसे है नजमा, ऐसे है।
सच कह रहे हो ना नावेद? तुम्हारी कसम नजमा, पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रही है तुम्हारी दोस्त वो मीनाक्षी। बर्बाद करके रख दिया। किसने किसे बर्बाद किया? उसने मुझे, हम दोनों को नजमा। नहीं, बर्बाद तुमने किया, उसे भी और मुझे भी। हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने, उसके साथ जबरदस्ती की और अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम नावेद। नहीं नजमा, मैं मानता हूं मैं थोड़ा भटक गया था, लेकिन शुरुआत उसने की। वो मौका देखकर आई घर पर जब तुम नहीं थी, और सारी बेशर्मियां उसी ने शुरू की मेरे साथ। मीनाक्षी की डॉक्टरी जांच हुई है, पुलिस ने मुझे सारे कागज दिखाए हैं। तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है, खराब कर दिया तुमने उसे। अरे तुम जानवर हो, घिना रही है मुझे तुमसे, और अपने आप को तुम्हारी बेगम कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। तुम्हारा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं है। तुमने जो ये किया है ना, इसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नजमा मेरी बात सुनो, नजमा, नजमा। मैं कोर्ट में लड़ती रही साहब, मैं नावेद को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती थी। जो तुमने उसे 12 साल बाद दिलवाई, सजाए मौत। जब मेरे साथ रेप हुआ था ना साहब, ना ही मैंने मेरे आई बाबा से छुपाया, ना मोहल्ले वालों से, ना ही किसी और से। मैं लड़ती रही, मैं चाहती थी कि नावेद को सजा हो, और उसे सजा मिली। जब मेरी शादी हुई तब मैंने मेरे पति को भी सब कुछ बता दिया, और अगर मैं नावेद को मरवाती तो वो भी राज नहीं रहता साहब। भगवान की दया से मुझे एक अच्छी जिंदगी मिली है, मैं उसे बर्बाद क्यों करूंगी साहब? पर किसी और की जिंदगी भी बर्बाद हुई थी। नजमा कहाँ है वो? वो भी सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ चुकी है। तू मुझसे भी गुस्सा है मीनाक्षी? अगर ना बोलूंगी तो झूठ होगा, लेकिन अब नहीं हूं। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती यह है कि मैं नावेद को कभी ठीक से पहचान ही नहीं पाई, बस प्यार हुआ और शादी कर ली। कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। अब आगे का क्या सोचा है? नावेद तो 7 साल के लिए अंदर हो गया और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो गया। मामू ने कहा है कि मेरा तलाक करवा देंगे और फिर मैं भी दूसरी शादी कर लूंगी, पर इस बार सोच समझ कर। वो कहते हैं ना कि छांछ भी फूंक फूंक कर पीनी पड़ेगी। मुझे भी। मैं नजमा की दूसरी शादी में गई थी साहब, उसका भी एक प्यारा सा बच्चा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है साहब उसका। उसे इसमें मत घसीटो साहब, माफ कर दो उसे। मीनाक्षी जी, माफ करना और सजा देना ये कानून का डिपार्टमेंट है, हम तो बस सच के सिपाही है, और सच ढूंढने के लिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं तो हम वो भी करते हैं। देखिए मामला मर्डर का है, तो नजमा का एड्रेस और नंबर। सर लगता है मीनाक्षी सच बोल रही है। जादव, अक्सर लोग अपने आप से कोई झूठ इतनी बार बोलता है कि सच में उन्हें वो सच लगने लगता है, खासकर एक ऐसा झूठ जो कोई दर्द छुपाने के लिए बोला गया। जादव एक काम करो, इस मीनाक्षी का बैकग्राउंड चेक और कॉल रिकॉर्ड्स दोनों रेडी रखो। हेलो, हाँ जी मैं नजमा बोल रही हूँ, आपको रेप के लिए 7 साल की सजा काटने के 5 साल बाद नावेद बेग की भयंकर तरीके से हत्या हुई थी। इन 12 सालों में काफी कुछ बदल गया था, जिसके बारे में पुलिस पता लगा चुकी थी, जैसे कि नजमा और मीनाक्षी की जिंदगी। लेकिन इन 12 सालों में नावेद के साथ क्या हुआ था इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी, यहां तक कि उसके माता पिता को भी नहीं, जिनकी जिंदगी में उनका बेटा नावेद 12 साल बाद दाखिल हुआ था, तब जब बहुत देर हो चुकी थी। घर छोड़कर भाग गया था मुंबई के सपने लेकर, यहीं शादी वादी कर ली, हम लोगों को बोला तक नहीं था। एक ही बार मिले इससे, वो भी तब जब इसको सजा हुई थी। गलती हो गई अब्बू। इसे गलती नहीं कहते नावेद, गुनाह हुआ है, गुनाह। गलती और गुनाह में फर्क समझ। इसके लिए घर छोड़कर मुंबई भागे थे, अम्मी अब्बू का नाम डुबाने। सजा हुई है ना अम्मी, हमें सजा काट कर एक नई शुरुआत करेंगे। सजा तू अकेला काटेगा,
और नई शुरुआत भी तू अकेला ही करेगा। सुना है तेरी बीवी भी तुझे छोड़ के चली गई है। आप लोग तो नहीं छोड़कर जाओगे ना मुझे? जब तूने इंसानियत को छोड़ दिया तो फिर इंसानों से क्यों उम्मीद रखते हैं नवेद? नवेद, हम ये तो नहीं सोचते कि तू हमारे लिए मर गया, पर इतना जरूर याद रखेंगे कि तूने जीते जी हमें मार दिया। रिहा होने के बाद एक आध बार इसका फोन आया था, वो भी ईद के वक्त। बड़ी मुश्किल से एक आध मिनट बात हुई होगी बस। इसका फोन नंबर है? रखा ही नहीं। जब इससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था तो फोन नंबर लेके क्या करते? सर मुझे नहीं पता कि नावेद रिहाई के बाद कहां गया, क्या काम करता था, मेरा उससे ताल्लुक ही नहीं रहा। एक हफ्ते पहले नावेद का मर्डर हो गया नजमा जी, क्या इस कत्ल से आपका कोई ताल्लुक है? सर कत्ल तो 12 साल पहले हुआ था, मेरे भरोसे का। साहब एक गरीब और यतीम लड़की थी मैं, अपने मामू की मेहरबानी पर पल रही थी। एक दुकान में झाड़ू पोछा करती थी जब नावेद से मिली थी। कहाँ काम करता था नावेद? साहब एक किराने की दुकान पर पैकिंग का काम करता था। साहब मुझे एक बहुत ही सीधी सी जिंदगी चाहिए थी, आदमी प्यार करे, छोटा सा घर हो, बच्चे हो, मुझे ये सब कुछ मिला। लेकिन नावेद को छोड़ने के बाद, नावेद मेरे लिए सिर्फ एक बुरा सपना है, और उसका नाम याद करके भी मुझे सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होती है। और अब उसका नाम मिट चुका है। सर उसका नाम मैंने नहीं मिटाया है, मीनाक्षी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और फिर मैंने भी पीछे कभी पलट कर नहीं देखा। मीनाक्षी और नजमा दोनों के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, ऐसा कुछ नजर नहीं आया जो हमारे काम का हो। जादव, पहले मुझे लगा था इन दोनों में से किसी एक ने या शायद इन दोनों ने मिलकर नावेद को मारा है, पर इन दोनों की जिंदगियां सेट है, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। सर शायद नहीं करेगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नावेद ने जेल से निकलकर इनकी जिंदगी डिस्टर्ब की हो, ब्लैकमेल, धमकी, कुछ भी हो सकता है। रिहा होने के 5 साल बाद अगर मीनाक्षी और नजमा को नावेद को मारना ही होता तो 5 साल इंतजार क्यों करती? सर लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जिसने क्रिमिनल को इतनी बुरी तरह मारा, बॉडी पर से सारा आइडेंटिफिकेशन हटाकर एक बोरी में डालकर न्यूट्रल जगह पे छोड़ दिया। जादव, हो सकता है जेल से रिहा होने के बाद नावेद ने फिर वही हरकत किसी और महिला के साथ की हो और मारा गया हो। हो सकता है सर। हाँ साहब, एक एड्रेस नोट कीजिए और आ जाइए इधर तुरंत। गर्मी में ठंडक दिलाने वाली खबर है ये। वाकई अच्छी खबर है सर। बस ये अच्छी खबर पक्की खबर होनी चाहिए। साहब ये इस यूनिट के सुपरवाइजर हैं, नाम है सागर भाई। नमस्ते साहब। ये नावेद बेग यहाँ कब से काम करता है? 1 साल से करता है साहब, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बिल्कुल गुल है साहब, फोन भी ऑफ है। वो सुमित भी बड़ा परेशान है उसको लेकर। सुमित कौन? सुमित काल से साहब, यहीं पे काम करता है, आज नाइट शिफ्ट है उसका। ये नावेद का दोस्त है? सब नावेद को उसी ने काम पे लगाया था, नावेद उसी की बस्ती में रहता है। बस्ती का एड्रेस और दोनों के नंबर चाहिए मुझे। एड्रेस बोले तो साहब वो कखीरा नगर की 40 है ना, वहीं पे दोनों रहते हैं, और नंबर देता हूँ। वैसे साहब माजरा क्या है? ए नंबर दो ना सागर भाई, माजरा क्या है बताता है ना फोन बाद में, तबीयत से नाइक नंबर ले लूँगा। 444-787-658 नावेद बेग का नंबर है, रिकॉर्ड्स मंगवाओ। जी हाँ। सुमित की आज नाइट शिफ्ट है, वो सो रहा होगा। हाँ उठाइए उसे। तुम्हारा दोस्त नावेद कहाँ है? वो तो हफ्ते भर से गायब है साहब, मैं खुद पुलिस के पास आने वाला था।
और अब खुद पुलिस तुम्हारे पास चल कर आई है। पता है क्यों? नहीं। एक हफ्ते पहले हमें तुम्हारे दोस्त नावेद की लाश मिली। क्या? साहब, यहाँ रहता था नावेद, किराए का घर है। चाबी है तेरे पास? मेरे पास कैसे होगी चाबी साहब? तो नावेद के पास होगी, नहीं तो मकान मालिक के पास। ये नावेद से तुम्हारी गहरी दोस्ती है क्या? अच्छा दोस्त था साहब मेरा, ये गोली भी मैंने ही फिक्स करवाई थी उसके लिए बात करके। पहले उधर फैक्ट्री में सोता था ना। तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारी बीवी रहते हैं ना? नहीं साहब, वो मेरी बीवी नहीं है, मेरी भाभी है, मेघना भाभी, बड़े भाई की पत्नी, अजिंक्य काल से। और भाई क्या करता है? वॉचमैन है सर। ये नावेद को किसने मारा होगा? कुछ पता नहीं साहब, मेरा तो सुन के ही दिमाग सुन हो गया है। उंगली को क्या हो गया? कुछ नहीं साहब, वो फैक्ट्री में लग गया। ये नावेद को कब से जानते हो और कैसे जानते हो? पिछले एक साल से जानता हूँ साहब, वो दारू के अड्डे पे दोस्ती हुई थी, उसको काम चाहिए था और मैंने हमारे साहब से बात करवा के उसको काम पे लगाया। अच्छा, उसने तुम्हें कभी बताया था कि पहले वो क्या करता था, कहाँ से आया था? नहीं साहब, वो पहले का कुछ बात नहीं करता था। हाँ, एक बार उसने बोला था कि शादी हुई थी करके और बीवी छोड़ के भाग गई। ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा फोन करूंगा। साहब मेरा नंबर है ना? सुमित, हमारी नजर है तुझ पर, तो नंबर क्या चीज है? उंगली संभाल। नावेद के मकान मालिक का नंबर निकालो और उससे बात करो सर। और ये सुमित, उसके हर एक मोमेंट को ट्रैक करना, उसका इतिहास भूगोल खोद कर निकालना। ये लड़का कुछ तो छुपा रहा है, उसकी उंगली फैक्ट्री में काम करते वक्त नहीं कटी। सबसे पहले गला काटा गया है, उसके बाद स्टैबिंग हुई। जादव, सुमित का ये घाव हमारे केस का सबसे बड़ा सुराग हो सकता है। हाँ बोल सुमित। दादा, वो पुलिस वाले आए थे नावेद के बारे में पूछने। क्या बोला तूने? मैंने उनको उसका घर दिखा दिया। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर, रखता हूँ। दादा। हाँ क्या? वो लोग उंगली पर पट्टी के बारे में पूछ रहे थे। तो क्या बोला तूने? मैंने उनको बता दिया, काम करते लग गया। ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम का क्या मतलब है? पुलिस वालों ने खुद कहा था कि नावेद का मर्डर एक हफ्ते पहले हुआ था और उसी वक्त तुम्हारे भैया ने मुझे मायके भेज दिया, कोल्हापुर। अरे भाभी, आपके मायके जाने का और नावेद के मर्डर का क्या लेना देना? नहीं है सुमित, सच में नहीं है। नहीं, मेरी तरफ देखो, आंखें मिला के बोलो कि कोई लेना देना नहीं है। मेघना, तू खाना खा के सो जा, हम लोग बाहर खाने वाले। लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो और हो क्या रहा है, मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और सुन, वो एकदम से बंद रखना, कोई भी कुछ भी पूछे तुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे मालूम नहीं, समझी? सुमित का नंबर स्विच ऑफ है, उसके बड़े भाई अजिंक्य का फोन भी ऑफ आ रहा है। कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? मर्डर के दिन 27 फरवरी को सुमित ने एक नंबर पर हद से ज्यादा बार बात की। इसका नंबर है? कोई सुरेश गुप्ता करके है।
छोटा मोटा एस्टेट एजेंट है। जी जी, सुमित खास है अपना। 27 फरवरी को सुमित ने तुमको 8 बार फोन किया था। अच्छा, ध्यान नहीं दिया मैंने साहब। सुमित को मेरी कार चाहिए थी। किस लिए चाहिए थी? वो फैमिली को कहीं घुमाने ले जाने की बात कर रहा था। सर, सुमित की फैमिली मतलब उसका बड़ा भाई अजिंक्य और उसकी भाभी मेघना। गाड़ी किसी और काम के लिए भी तो इस्तेमाल हो सकती है। जादव, सुमित और उसके भाई अजिंक्य से लंबी बात करनी होगी। कुछ बोले ही नहीं कब लौटेंगे, बड़े हड़बड़ी में निकल गए, कुछ भी नहीं बोला। उन दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है, कहाँ गए ये दोनों? नहीं मालूम साहब। क्या नावेद बेग के मर्डर में तुम्हारा पति और देवर शामिल है? नहीं नहीं साहब, वो लोग खूनी नहीं है। सुरेश गुप्ता को जानती हो? हाँ साहब, नाम सुना है। शायद इन दोनों के दोस्त है, लेकिन मैं मिली नहीं हूँ इनसे कभी। 27 फरवरी के रात को तुम्हारे देवर ने उससे गाड़ी मांगी थी, ये कहकर कि तुम तीनों घूमने जा रहे हो। 27 फरवरी की रात को? नहीं नहीं साहब, उस रात तो हम कहीं घूमने वूमने नहीं गए थे। 27 के सुबह सुबह उन्होंने मुझे कोल्हापुर के लिए रवाना किया था। पूरे एक हफ्ते बाद परसों ही मैं मायके से लौटी हूँ। सुरेश गुप्ता से कहना कि अपनी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन आ जाए, तलाशी लो गाड़ी की, पता चल जाएगा ये सुमित और उसका भाई अजिंक्य कौन सी फैमिली को कहाँ घुमाने लेकर गए थे। सर, दादा अब क्या करेंगे? इतना कुछ किया है, अब आगे भी करेंगे कुछ ना कुछ। कितने दिन बाद मीनाक्षी। हाँ रे, वो पुलिस बहुत जोर दे रही थी इसलिए मैंने तेरा नंबर दिया। कोई बात नहीं, मैं तो नावेद के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। वो मेरा और तेरा, हम दोनों का अतीत है। और फिर बुरे सपने के बारे में क्या सोचना। सही बोल रही है तू। वो तेरा सिलाई का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तूने मुझे सिलाई नहीं, नई जिंदगी दी है और इसके लिए मैं तेरी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मेरा काम अच्छा ही चल रहा है। चल अच्छा है, मेरा भी अच्छा ही चल रहा है। वो तेरा बेटा है ना, सलमान ना? हाँ। कैसा है वो? ठीक है, बहुत मस्ती करता है। और तेरी बेटी रोहिणी? वो भी अच्छी है, मेरी माँ बनने की कोशिश करती है। बस यही एक बात थी जो तुझे बतानी थी। मिलकर ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। तू भी। डिग्गी खोलो। सर, खून के निशान है। सुरेश गुप्ता, नावेद बेग के मर्डर केस में तेरे इस गाड़ी के अलावा तेरा और क्या रोल था? सर, इंस्पेक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या बोलो? तेरे कार के डिक्की में जो खून के धब्बे मिले ना, वो काफी कुछ बोल चुके। अब तो सिर्फ इतना बोल दे, सुमित काल से, उसका भाई अजिंक्य काल से और तूने मिलकर नावेद बेग को क्यों मारा? सर, सुमित मेरा दोस्त है, दोस्ती खातिर में उसने मुझसे गाड़ी मांगी और मैंने उसको दे दी सर। अगले दिन उसने लौटा भी दी सर। सर, कई सालों से मैंने डिक्की खोल कर भी नहीं देखी। ये नावेद बेग कौन है इसके बारे में मैं नहीं जानता सर। मुझे सच में और कुछ भी नहीं पता है। मेरे देवर और पति दोनों के फोन बंद है और उन्होंने किसी के हाथों संदेशा भी नहीं भेजा है। आई शपथ।
सर मैंने मीनाक्षी, नजमा, सुमित और अजिंक्य के बीच फोन पर कनेक्शन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई कनेक्शन बन नहीं रहा सर, एटलीस्ट फोन पर तो नहीं। जादव, क्रिमिनल दिमाग जितना मर्डर के बारे में सोचता है ना, उतना ही उससे बच के निकलने के बारे में सोचता है। और चार चार अपराधियों के दिमाग अगर साथ मिल जाए तो चार गुना चौकन्ना प्लान होगा कि कोई भी कनेक्शन ना मिले जो उन्हें आपस में जोड़ता हो। पुलिस ने एक लावारिस लाश को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया था बल्कि उसके अतीत की सभी बारीकियां भी पता कर ली थी। नावेद बेग रेप के लिए 7 साल की सजा काट चुका था और उसके 5 साल बाद उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस को गहरा शक था कि यह कत्ल उसके अतीत से जुड़ा है, लेकिन पुलिस को अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जरूरत थी ठोस सबूत की, जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। और इस बात की भी संभावना थी कि नावेद की हत्या का 12 साल पुराने मीनाक्षी रेप केस के साथ कोई सीधा ताल्लुक ना हो। क्या थी नावेद बेग के मर्डर की स्टोरी? क्या उसने फिर से अपनी घिनौनी हरकतें शुरू कर दी थी, या फिर कोई था जो उसकी इन हरकतों को रोकना चाहता था? क्या किसी को डर था कि नावेद फिर से हमला कर बैठेगा? इस रेप और मर्डर केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, आपकी परेशानी के भीतर ही कहीं आपकी खुशी छुपी है। सिर्फ परत हटाने की देर है और जिंदगी फिर एक नया मोड़ लेगी। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।